फिलहाल यहाँ पे मिल चुके हैं विजय भैया से। कैसे हैं? कौन यार? ठीक आई है, ठीक है ना? कटी भाषा के तने प्रमोट कर अभी अभी जोहार झारखंड। बड़ा दिन याद कर रहे हैं और अच्छा भी लग रहा है ना? अच्छा लगना भी चाहिए। मेरा कपड़ा घटेगा तो आपका साड़ी है ना। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों अभी मैं फिलहाल किचन में हूँ और किचन में ऐसा कुछ भी खाना नहीं बचा, मतलब बना ही नहीं है समझ लो किचन में खाना। और मेरे घर तो पूरा खाली हो गया, मैं पापा और मम्मी ओनली बच्चे हैं तो खाना कुछ नहीं है। पापा मम्मी तो बिजी है घर का कुछ सफाई करने में, तो मैं अभी चावल फिलहाल चढ़ा देता हूँ ताकि मैं कुछ खाना बना देता हूँ और सब लगे रहेंगे कि काम में तो खाना बनेगा ही नहीं, तो भाई मैं खाना चढ़ा देता हूँ, कुछ दाल सब्जी ऐसे कुछ। इधर पानी गर्म करने के लिए चढ़ा दिए हैं, बस थोड़ा हीट हो जाएगा उसके बाद चावल डाल देंगे इसमें, बन जाएगा भात। इधर चावल चढ़ा दिए और साथ में इधर कुकर में दाल। मम्मी इधर साग काट रही है और बड़ी भाभी से बात कर रही है। देखो ऑलमोस्ट अभी 1:30 बजने को आया और अभी तक मैं कुछ नाश्ता तक मैं नहीं किया हूँ अभी, और अभी मैं नहा के पूरा फ्रेश हो गया हूँ, मुझे लग गया अभी भूख। मम्मी भी काफ़ी थक गई है, सुबह से काम कर रही है इसलिए मैं थोड़ा चावल चढ़ा दिया था ताकि थोड़ा हेल्प हो जाए मम्मी का। माँ खाना बन गया ऑलमोस्ट? हाँ बता भाई, नहीं खाना तो भूख लगा रही है। ये लास्ट अभी भी बन ही रहा है, क्या बन रहा है? चटनी, टमाटर का चटनी, ये अभी फिलहाल बन ही रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा ही भूख लग गया तो मैं अभी फिलहाल खा लेता हूँ। तुम भी नहीं खाई होगी? कुछ नहीं खाया। खा लो, मैं खा लो, चलो साथ में सभी कोई खा लेंगे। पापा नहाए ना, तो नहा लेंगे, चलो खा लेते हैं। पापा नहा लेंगे, दो मेरे खाना दो और चावल के ऊपर ही डाल दे देना, कटोरों मत देना, ऐसा हम खा लेंगे। वो चावल तो डाले थे, बच जाएगा क्या? थोड़ा सा। हाँ बस 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 इतना ही। हाँ पूरा गर्म हो गया किचन ना। चाची की सब्जी बनी? कद्दू आलू दी जी। अभी साग बनाया। ये इतना सारा अभी खाना मिला है क्योंकि मैं सुबह से कुछ खाया नहीं हूँ, मम्मी भी नहीं खाई है। माँ तुम भी लेके बैठो, क्या हो गया? बैठो बैठो, क्या हो गया? ठीक है, टाइम तो होगा। तो मेरा लंच हो गया, ब्रेकफास्ट तो हुआ नहीं, डायरेक्ट लंच हुआ क्योंकि मतलब मैं अंदर का फीलिंग शेयर नहीं कर पा रहा हूँ यार, बहुत तकलीफ़ है मैं, मम्मी लोग सभी को, मतलब बहुत तकलीफ़ में। मैं अभी नहीं बता सकता लेकिन बताऊँगा यार, एक ना एक दिन ज़रूर बताऊँगा क्या हो रहा है हम लोगों के साथ में। थोड़ा सा तकलीफ़ में हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है, बट कोई बात नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, भगवान जो भी करते हैं सब अच्छा करते हैं। और अभी सनातन भैया आ रहे हैं तो हम लोग सभी को निकलेंगे बाहर, आज बाहर का टूर रहेगा, बाहर मैंने रामगढ़ हम लोग निकल रहे हैं आज, तो आज भाभी भी साथ में रहेगी और छोटकू बाबू भी साथ में रहेगा। चलो अभी भैया आ गए हैं, फिलहाल रोड पर खड़े हैं, आते हैं। ठीक है, भैया आ जाएंगे थोड़ी देर में। आप भी कहाँ है? तो सर बात की 6 बजे बैठे हैं। ठीक है यार, भैया रोड पे खड़े हैं। कहाँ खड़े? वहाँ पे रोड पे। कहीं के लिए जाएंगे? ना आते हैं। ठीक है, बंद कर लो, बाहर में बहुत धूप है। अंजलि भाभी सनातन भैया आ चुके हैं, रोड पे खड़े हैं, तो वो लोग घर नहीं आए आने से, एक्चुअली में हम लोग लेट हो गए हैं थोड़ा, तो बोले इधर ही आ जाने से तो थोड़ा सा और लेट होता ना, इसके वजह से अभी मैं फ़िलहाल निकल रहा हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा बैग ले लिया हूँ मैं और इधर अपना ब्लेजर, क्योंकि वहाँ पे एक क्रिएटर ही है, उनका रिसेप्शन है, शादी कल ही हो गया था तो आज रिसेप्शन है, तो रिसेप्शन में आज हम लोग पहुँच रहे हैं फिलहाल, तो चलते हैं वहीं पर जाके दिखाते हैं। अंदर से पता नहीं क्या लग रहा है मुझे, दिल से खुशी नहीं हो पा रहा है, मतलब पूरा खुश नहीं हो पा रहे हम अंदर से, पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मुझे कुछ समझ नहीं, मुझे माने मम्मी को भी ऐसा ही लग रहा है, इसलिए खाना भी टाइम पर नहीं हो पा रहा हम लोगों का। भैया अभी मुझे कॉल किए थे, बोले थे पहुंच गए हैं, अरे अभी तो पहुंचे नहीं है, देखो अभी आ रही है, यही वाला है गाड़ी, जाना पहचाना यही वाला लग रहा मुझे, आज ही ला रहे। डिक्की खोलो, डिक्की खोलो,
डिक्की खोलो। पहुंच गए हैं भाभी, मेरे को क्या बोली 10 मिनट में पहुंच रहे। दो तीन शर्ट क्या तो ये हाफ टी शर्ट लिए। बाकी अच्छा बहुत बढ़िया, जाम जाएंगे नहीं, गाड़ी पीछे ले आओ तभी जाएंगे, नहीं तो जाएंगे नहीं। गाड़ी पीछे ले आओ तभी जाएंगे, गाड़ी पीछे ले आओ, ऐसे जाने वाले नहीं है। खैर कोई बात नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और अभी आप क्या बोले भाभी मेरे को, अभी आपको मैं प्यार एगो अच्छा सा चीज बोलने वाला हूँ। रुक जी, तुमको पहले बोल रहा था डिक्की में बैठ जाओ। वेट वेट, सीट बेल्ट थोड़ा लगा लो फिर बताता हूँ। बोले बैठ जाओ डिक्की में, मेरा कपड़ा घटेगा तो आपको साड़ी है ना। चलो भाभी मेरे को बोले 10 मिनट में हम लोग पहुँचेंगे। आप चुप रहिए, आप कुछ मत बोलिए, है ना, मेरा और भाभी का यहाँ बीच का बात है, आप कुछ मत बोलिए। तो 10 मिनट में फटाफट नहा के रेडी हो गए, खाना वगैरह खा के फिर सुत गए। सोए नहीं, आशा दिख रहे हैं, अब आएंगे, अब आएंगे। कौन आशा? दो तीन बार कॉल भी किए। अरे कौन आशा? ठीक है तो फिर भाभी आई, चलो फाइनली आ तो गई। क्या ये अच्छा चीज है, लेकिन ये अच्छा चीज है, जिस तरह अपने आप को साफ रखते उस तरह अपने सामान को साफ रखते, ये अच्छा चीज है। मेरे को भी अच्छा लगता है, मैं कभी भी फोर व्हीलर लेके जाता हूँ तो मैं पूरा साफ सुथरा, मेरा तो छोड़िए मेरा पापा इतना साफ सुथरा रखते है वो अलग बात है। हाँ, पापा का आपका देखे, घर भी आते समय तुरंत झाड़ू लगा के साफ करना। झाड़ू माने कुछ भी है, वो उनको गंदा गंदा चीज पसंद नहीं है। और इधर अगोरी भी हम लोगों के साथ में है, ठीक है। चलो आज हम तुम लोगों को लंबा टूर पे लेके जाऊंगा। बस बस कहीं बेच होकर रखा नहीं ना भाई हम लोग। अरे बाबू ऐसा मंत्र मारेंगे कि नाग बना देंगे तुमको। नाग बना देंगे। ये रास्ते में जब हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं ना तो लग रहा है कि ये धनबाद है। मुझे तो लगा था धनबाद में ही इतना खूबसूरत खूबसूरत रास्ता होगा, बट ये बोकारो में तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये देखो मस्त लग रहा है, ये बोकारो का स्टील सिटी अंदर घुसने का ये रास्ता इधर फिलहाल। अरे धनबाद में सब जगह अपना कोयला नगर, वही तो वहाँ नेचर ऑफ ब्यूटी कोयला नगर में। और अभी हम लोग बोकारो पहुंचे हैं, बोकारो क्रॉस करेंगे और हम लोग बहुत जल्द पहुंचेंगे गोला रामगढ़ साइड में ही जा रहे हैं। बाबू अभी मेरे पास आ गया है, बाकी सभी कोई नीचे गए हुए हैं, बाहर गए हैं थोड़ा फ्रेश होने के लिए। हंसता है कैसे, हंस रहा है देखो। क्या है, मेरे को भी बाबू को खिलाने आता है। हाँ बाबू को खिलाने आता है मुझे भी, हंस रहे हो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कौन है इधर? छोटकू चाचू है, इधर छोटकू चाचू है, छोटकू चाचू है। उधर देखो, उधर 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 देखो, हाँ पलट के देख रहे हो, वेरी गुड, वाह। तो रांची जाने के टाइम में एक जगह पड़ता है, उस जगह में पिछले बार हम लोग कम से कम 15 से 20 केजी तक मकई खरीदे थे। छत नहीं बट पका हुआ इधर बिनता है, तो वही पका हुआ इधर हम लोग लेंगे अभी फिलहाल, ठीक है। ये देखो कैसे है चाची, 15 में 20, बहुत अच्छा लगता है भाई खाने में ये वाला। अच्छा अच्छा थोड़ा देख के दीजिएगा, अच्छा चाची ये आप लोग का घर में होता है? आमिन के घर है के लाए। हाँ दे दीजिए, पिछले बार आए थे तो हम लोग 15-20 केजी ले लिए थे वहाँ से सामने से। रिटर्न जाएंगे तो लेंगे, अभी रिटर्न जाने टाइम लेके जाएंगे। 40 या कितना देख लीजिए एक बार आप। हाँ रख लीजिए फिर, ले लिए मकई बहुत सारा, 4 लिए हैं क्योंकि मैं सनातन भैया भाभी और ये चारों खाएंगे अभी फिलहाल। मकई का मतलब क्या होता है ना, बाकी गाड़ी साफ सुथरा है, मस्त मजा आ जाएगा खाने में भी। कितना मारिए घींचिए तो
खींचिए खींचिए। ठीक लग रहा भाभी? मजा है ना? स्वादिष्ट लग रहा सही। इसीलिए तो आके खाए हैं। बाबू को नहीं खिलाइएगा? चलो चला ना, चला। चलो भाई का भी बात थोड़ा मान लेते हैं। अरे भाभी मत पूछिए, 20 को खा जाएंगे सर, 20 को जाने टाइम लेके जाएंगे, ठीक है? अभी फिलहाल गोला पहुंचे हैं और गोला मतलब रामगढ़ के बहुत करीब है। यहाँ पे कुछ गिफ्ट खरीदने के लिए आए हैं। यहाँ पे देखो, लेकिन यहाँ पे साड़ी खरीदा भी चुका है इधर, ठीक है? इस टाइप का साड़ी है, बट इसका येलो वर्जन है, ठीक है? बाकी अभी पसंद है ना ये वाला? येलो दीजिए, येलो ऑरेंज कलर है, येलो येलो इस टाइप का, वही चलेगा भाई। रंग भी दो तीन आता है ना, इसमें ब्लाउज होगा? ब्लाउज है ना, ब्लाउज सब में रहता है। तो सारा गिफ्ट लेना अभी हो गया, लास्ट बचा है पैकिंग कराना, तो अभी पैकिंग करवा रहे। फिलहाल पैकिंग करते ही हम लोग अभी निकल जाएंगे अपने डेस्टिनेशन पे। गिफ्ट हम लोगों का हो गया पैक और अभी हम लोग निकलेंगे फिलहाल, क्योंकि यहाँ पे आए हुए हैं विजय भैया भी, उनसे भी मैं आपको मीटअप करवाता हूँ। फिलहाल यहाँ पे मिल चुके हैं विजय भैया से। कैसे हैं? कौन है यार? ठीक आइए, ठीक है ना? झारखंडी भाषा के तने प्रमोट करें। अभी अभी जोहार झारखंड। हम लोग पहुँच चुके हैं इधर, लेकिन बहुत अच्छा सजाया गया इधर, बाहर का आप तो देखे ही है ना। अभी अंदर का और दिखाऊंगा मैं। साइंस वाले शंकर भैया का रिसेप्शन है आज, शादी तो हो चुका है और भैया बाराती भी किए हुए थे। दूल्हा वाला भैया कैसे हो? देख लो भाई, ये दूल्हा जी कैसे हो? बढ़िया। कैसा लग रहा शादी करके? अच्छा लग रहा। सुनना, ये सवाल हमको याद रहेगा, हम पूछेंगे तुम्हारा शादी में। कितना बार शादी किया आप? कितना बार यार, लोग कितना बार शादी? एक बार करता है, एक कुछ हो जाता है तभी डबल कर लेता है। आप कितना बार किए? आप कितना बार किए? वही तो यार, प्यार ही प्यार, शादी है ना। अंजलि भाभी बैठ चुकी है एक नई दुल्हन के साथ, कैसा लग रहा है बैठ के? अच्छा लग रहा है। कुछ टाइम पहले आप भी इस तरह का बैठे हुए थे, कैसा फील हो रहा है? दिन याद कर रहे हैं और अच्छा भी लग रहा है, है ना? अच्छा लगना भी चाहिए। भाभी आप भी बहुत क्यूट हो, प्यारी हो, अच्छा लग रहा है। अभी अच्छा लग रहा है ना? जोर से बोली, थोड़ा सुनाई नहीं दे रहा। ये शुरू से ऐसे ही बोलती है, आवाज ही तो ऐसे ही निकलता है। कोई बात नहीं, होना भी चाहिए, सबका अपना अपना होता है। जैसे शंकर भाई सुशील जैसी है, एकदम सीधी सादी, प्यारी सी, शंकर भाई भी ऐसे ही करते हैं दोस्तों। बहुत प्यारे हैं, है ना? जैसे हुए उसका तरह, उसी तरह उनका वाइफ मिला है। बहुत बढ़िया। हाँ, दोनों का कॉम्बिनेशन मैच करेगा तभी तो आगे लाइफ चलेगा। सब ऊपर वाला भेजा है। सही बात है। ये जो सीट खाली था अभी, अब अच्छा लग रहा है भाभी के साथ में। हाँ, तब से खाली खाली थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, है ना? उधर भी बिजी थे, इसीलिए जरूरी भी है, सारा काम खुद मेंटेन कर रहे तो। और जिसमें एक ही गार्जियन हुआ, जो देखना पड़ता है ना, बहुत बाप पे चलना पड़ता है, इसलिए जिसका खास करके शादी और उसी को देखना पड़े। बट मैनेजमेंट भी अच्छा किए हैं, बाहर भी देखे बहुत अच्छा मैनेजमेंट करके रखे हैं। सजाया गया अभी बहुत खतरनाक लेवल का, क्योंकि मैंने देखा बाहर से जब एंटर कर रहे थे हम लोग, है ना, उधर भी बहुत अच्छा लग रहा था। जैसा भी नहीं, जैसा भी नहीं, अच्छा है, अच्छा है, ऐसा होना भी चाहिए। क्या आखिर में यूट्यूबर का शादी है भाई? क्या अभी यूट्यूब जिंदाबाद? यूट्यूब तो जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। बस बस चलो तो दोस्तों, अभी तो सारा मिलना जुलना हो ही गया लगभग, बाकी आगे का कार्यक्रम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। इधर सभी कोई हैं अभी, देख पा रहे हैं, भाभी तो अपना सीट विराजमान ले लिए, दोनों भाभी, ठीक है? तो दोस्तों ये वीडियो को करेंगे यहाँ पे एंड। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना हो सकता है अपना कमेंट में प्यार दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।